हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लजीज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की सब्जी। तो देख लीजिए, हमने ये राजमा 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये हमने राजमा बड़ा वाला लिया है। और इसको 2 घंटे भिगोने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए बॉईल भी कर लिया है। तो ये देखिए, अच्छे से ये पक गया है। ये दाबने से देखिए फूट जाता है। तो आप इसको सिर्फ 2 घंटे भिगोइए और 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लीजिए हल्का सा नमक डाल के। और ये हमने थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये देखिए हमने इनको अच्छे से छील के रख लिया है। और 4 ये हमने प्याज लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं इतने। और ये हमने 250 ग्राम राजमा लिए हैं। 250 ग्राम राजमा के लिए इतना प्याज और ये 3 छोटे, ये टमाटर हमारे छोटे हैं इसीलिए हमने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हों तो आप 1 या 2 भी ले सकती हैं। तो इन सबको हम अभी मिक्सी में पीस लेते हैं प्याज को। देखिए दोस्तों, हमने ये कुकर गैस पर रख दिया है और हम कुकर में राजमा बनाएंगे। कुकर को हमने गर्म करने के लिए रख दिया। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। तो तेल हम इसमें कड़ू डालेंगे। तो ये देखिए, हम नाप के तेल डाल रहे हैं। 1 चमची तेल इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, इतनी बड़ी हमारी चमची है 250 ग्राम राजमा के लिए, इसमें हम तेल इतना डालेंगे। अगर आप कम खाते हैं तेल तो आप कम भी डाल सकते हैं, वैसे हम इतना ही डालेंगे तेल। तो ये देखिए, हमारा तेल हमारा हो गया है। तो हम इसमें जीरा इतना ऐड कर देते हैं। जीरा हमारा जब तक हो रहा है तब तक हम लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा जीरा हो गया है। अब हम इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा ये लहसुन प्याज है जो हमने दिखाया था, 4 गांठ प्याज की थी और थोड़ा सा लहसुन था 10-12 कलियां। तो इसको हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसको इसी में डाल देते हैं। इसको ब्राउन होने तक इसको हम इसी तरीके से भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो प्याज है ये अच्छे से भुंज गया है। और ये देखिए, ये ब्राउन ब्राउन हो गया है और इसने तेल भी इसने छोड़ दिया है। तो हम अब इसी में मसाला ऐड कर देते हैं। तो हमने ये 1 चम्मच, छोटा चम्मच हमने एक हल्दी ली है और 1 चम्मच हम इसमें मिर्चा और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। और इसमें मसाला हम कोई नहीं डालेंगे और ये थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल देते हैं। मसाला हमने सूखा डाला था इसीलिए हमने पानी इसमें डाला है। आप अगर मसाला को पानी में घोल के डालिए तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सूखा डाला था मसाला इसीलिए हमने पानी डाल दिया। तो इसको हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए, हमारा ये मसाला अच्छे से पक गया है। और देखिए, मसाला तेल छोड़ने लगा है। जब मसाला तेल छोड़ने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि मसाला अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम अब टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटर हमने जो 3 छोटे छोटे टमाटर लिए थे उसी को हमने काट लिया है, हमने पीसा नहीं है टमाटर। और ये टमाटर को इसी में हम डाल देते हैं। और टमाटर डालने के बाद हम नमक भी इसी में डाल देते हैं। तो ये नमक हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। ये देखिए, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद में इसमें हम राजमा डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे जो ये टमाटर हमने डाले थे काट के, वो अच्छे से पक गए हैं।
और ये देखिए मसाला हमारा अब अच्छे से भुज गया है। अब हमारे टमाटर प्याज और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें राजमा ऐड कर देते हैं। तो ये हमने राजमा आपको दिखाए थे, ये हमारे राजमा है, हम इसमें ऐड कर देते हैं। राजमा हमारे अच्छे से उबल गए थे, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्जी को पकने में। सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने राजमा बॉईल किए थे और 10 मिनट के लिए ही हम सब्जी को पकाएंगे। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें राजमा मसाला भी नहीं डाला है, फिर भी इसकी सब्जी इस तरीके से बनाइए बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसी में पानी डाल देते हैं। तो पानी इसमें हम 2 गिलास डालेंगे, हमारे पास ये इतना बड़ा गिलास है, इसी गिलास से हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। देखिए दो गिलास हमने पानी इसमें डाल दिया। बस इसको हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे और एक सीटी सिर्फ इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये राजमा की सब्जी बनके तैयार है। तो आप देखिए ये कितनी अच्छी देखने में लग रही है, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी भी ये खाने में टेस्टी लगेगी। और हमने इसमें धनिया पत्ता नहीं डाला है क्योंकि हमारे पास धनिया पत्ता ख़त्म हो गया था आज। तो ये देखिए हमारी राजमा की सब्जी, ये देखिए हमारी राजमा की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।